खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में मंगलवार को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के और राज्यसभा के और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कल रात्रि 8 बजे हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टंडा जी के आवास पर होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी उस बैठक में रहने वाले हैं, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सहप्रभारी रेखा जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे, साथ साथ नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में किस दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रम का स्वरूप तैयार होगा और भविष्य का, क्योंकि दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने, तो क्योंकि लोकसभा सत्र है उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साहब बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक में रहेंगे। और आज से लोकसभा के सभी नव निर्वाचित सांसद संपूर्ण प्रारंभ है, 27 तारीख को राष्ट्रपति का भाषण होगा, जिसमें दोनों सदनों पर महान राष्ट्रपति जी सभी सांसदों को संबोधित करेंगे, उसका हमारा भी हिस्सा रहना होगा।